हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, ऑडियो वीडियो दोनों साफ साफ क्लियर आ रही होंगी आप लोगों के लिए। हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं। ओके, 6 PM का टाइम था, लेकिन 6:30 हो गए। कोई बात नहीं, जितने भी स्टूडेंट आ गए उन सभी के लिए वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। आवाज़ ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है या नहीं आ रही मुझे बता दीजिए। क्या आप लोगों के लिए ऑडियो वीडियो जो है वो क्लियर आ रही है या नहीं आ रही मुझे बता दीजिएगा। ओके, एनी वन? ओके ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करने वाले हैं आपके लिए। द फंक्शन ओके द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी इज, यानी कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो है क्या होता है। आंसर बताना है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। चलिए दोस्तों, आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे। थोड़ा सा हम लेट हो गए इस क्वेश्चन का। आंसर दीजिएगा, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर हैं या नहीं है, यस और नो करके बताइएगा मुझे कि आपको ऑडियो आ रही है या नहीं आ रही। चलिए दोस्तों, आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे। आप लोगों के लिए आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? ओके, बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग। ओके, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ आ रही है। ओके, मुझे बता दीजिए कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। ओके, बिल्कुल ऑप्शन सी आ रहा है। बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल गुड इवनिंग, बिल्कुल जितिन जी ऑप्शन सी बोल रहे हैं, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा, ऑप्शन सी आ रहा है। बिल्कुल अजय जी, अमित जी, बिल्कुल। तो आंसर आएगा सी इज करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन का परिवहन नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इज बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल, चलिए ओके, आवाज ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है। चलिए जितिन जी, ओके, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द जाइंट पांडा? ओके, विशालकाय पांडा का जो वैज्ञानिक नेम है वो बताइएगा, कमेंट करें क्या होगा। ओके, और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक कि भाई आप जो है सुबह सुबह 8 बजे वाली जो जियोग्राफी की वीडियो आती है वो बहुत कम लोग देखते हैं, तो भैया उस टाइम मत देखकर आगे आप जो है आगे देख लीजिए। तो उसमें क्या आपका फायदा ही होगा, क्योंकि काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ जियोग्राफी पे। ओके, और आपको स्लोली स्लोली वहाँ पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाकर, बिल्कुल सिंपल सिंपल से लेकर अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हैं। बिल्कुल अजय शर्मा जी, ऑप्शन सी, बिल्कुल जतिन जी आंसर आ गया, वेरी गुड। ओके अजय जी, आंसर कमेंट करें क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो आगे फॉरवर्ड करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऑप्शन क्या आ रहा है भाई? ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी, वेरी गुड। तो आंसर होगा ऑप्शन आएगा वन इज करेक्ट आंसर। ओके, आल पौधा, ओके, मेलन नो ले उका इस प्रकार का नाम होता है, ध्यान रखिएगा ये रहा। ओके, जाइंट पांडा जो है इसे कहते हैं, इस प्रकार का दिखता है, ऑप्शन आएगा वन इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीडीएमए की फुल फॉर्म बताना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडीएमए? ओके, आवाज, ओके ओके अमित जी आवाज, ओके अमित आवाज नहीं आ रही क्या अमित जी आपको? मेरी आवाज तो आ रही है ना। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपको बताना है सीडीएमए का फुल फॉर्म क्या, व्हाट इज द ओके फुल फॉर्म ऑफ सीडीएमए? तो आंसर कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। चलिए आंसर कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का, सीडीएमए का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करिए। और फ्रेंड्स, सुबह की 8 बजे वाली जो क्लास है वो भी अटेंड करिएगा, और अगर हुआ एक दो दिन अगर हम लेट होते हैं तो हम 7 बजे हम क्लास करेंगे आप लोगों के लिए, या कुछ अरेंज करेंगे जो कि आपका हो जाए क्लास। ओके, क्योंकि टाइमिंग मैनेजमेंट में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। ऑप्शन सी आ रहा है जी, वेरी गुड। एनी वन को आंसर कमेंट करेगा? ओके अमित बी, ओके अजय सी बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन आएगा टू इज करेक्ट आंसर, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ओके, इसका आंसर होगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इज करेक्ट आंसर, सीडीएमए का फुल फॉर्म। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? ओके, विच ऑफ फॉलोइंग आर लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी? ओके, बिल्कुल, चलिए अमित जी, बिल्कुल चार्ल्स, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चार्ल्स ही आंसर आ रहा है आपका। आंसर कमेंट करें इस क्वेश्चन का, देन ओके चलिए आंसर दीजिए। नर्वस सेल होगी, स्पर्म होगा, या ओके पेंक्रियाज होगा, या आपका एपिडर्मस? ओके, चलिए ऑप्शन सी आ रहा है, वेरी गुड। एनी वन जतिन जी, बिल्कुल ऑप्शन सी आया जी, बिल्कुल आपका चार्ल्स ही आंसर, कमेंट करें अमित, आंसर कमेंट करें क्या होगा। ओके, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नर्वस सेल जो रहती है हमारे शरीर की, हमारी कोशिका की, जो सबसे बड़ी क्या रहती है? ओके, बिल्कुल सबसे बड़ी कोशिका रहती है, ऑप्शन सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन था, अब थोड़ा सा जो है टफ क्वेश्चन देख लीजिए। ओके, सिंपल भी करेंगे, थोड़े मॉडल क्वेश्चन भी करेंगे, तो भाई जितने भी स्टूडेंट अभी बने हुए हैं उनसे कहूँगा के क्वेश्चन करिएगा, ऐसा नहीं कि भाई आप बिल्कुल लगे कि क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आप ना करें, अभी क्वेश्चन करिए। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपको दिया एक साइड दिए रोग यानी डिसीज दिए, एक साइड दिए आपको ऑर्गन्स यानी जीव दिए, तो किस जीव से कौन सा रोग होता है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें क्या होगा। चलेंगे सभी लोगों को आंसर कमेंट करना, मैं थोड़ा सा और ओके इसको जूम कर देता हूँ। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे सभी लोग, आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या है। मैं और जूम करता हूँ, आपको दिख जाएगा करेक्ट करेक्ट। ओके, ऑप्शन आ गया फोर, एनी वन को आंसर कमेंट करें, अमित जी फोर बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स ऑप्शन थर्ड बोल रहे हैं, वेरी गुड। एनी वन को आंसर कमेंट करेगा क्या आएगा इस क्वेश्चन का उत्तर।
सभी लोगों को क्वेश्चन कहाँ से देना है। ओके, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन आएगा वन इज करेक्ट आंसर, यानी कि आपका मलेरिया जो होगा वो प्रोटोजोआ से होता है। किससे? प्रोटोजोआ से होता है। ओके, आपका पोलियो जो होगा वह होगा वायरस यानी कि विषाणु से। आपका यहाँ पर जो होगा क्या होगा आपका होगा क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस जो होगा वो होगा आपका जीवाणु बैक्टीरिया से। और आपका डी ऑप्शन बनेगा रिंग वर्म जो होगा फंगी से होगा। ऑप्शन आएगा वन इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके लिए। ओके, यहां पर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। ओके, फिश कैन सर्वाइव इनसाइड अ फ्रोजन लेक बिकॉज ऑफ। चलिए, आपको बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि मछली जब एक जमे हुए झील के अंदर जीवित रह सकती है, ऐसा कैसे होता है? आंसर कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है और ये क्वेश्चन एग्जाम में 10-12 बार आ चुका है, तो आंसर कमेंट करेंगे क्या रहेगा। ओके, आगे वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, अच्छा लगे आगे शेयर करिएगा। ओके, आ जाए बिल्कुल। और जतिन जी बिल्कुल, अगला क्वेश्चन चार्ल्स जी। ओके, अमित जी आंसर कमेंट करें क्या होगा। ओके, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको आंसर आ रहे हैं नहीं आ रहे। ओके ओके, मोटिवेट। हाँ बिल्कुल, मोटिवेशन जी आपका ऑप्शन आ रहा है थर्ड, वेरी गुड। एनी वन को आंसर कमेंट करेगा। जतिन जी अगला क्वेश्चन इसका आंसर है वन नहीं है, ऑप्शन ए नहीं आएगा, ऑप्शन आएगा सी इज करेक्ट आंसर, नहीं ऑप्शन बिल्कुल मोटिवेशन जी ऑप्शन आएगा थर्ड। ओके, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है वहां पर जो होती है क्या होता है, मछली जो होती है पानी के बिल्कुल ऊपर वाले सतह में नहीं होती, वो नीचे चली जाती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर वो जीवन रह सकती है। ओके, चलिए बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर थर्ड आएगा, नॉट आपके वन नहीं आएगा, थर्ड आएगा बिल्कुल मोटिवेशन जी। अगला क्वेश्चन है आपके इंग्लिश में पढ़ देता पहले। विच ऑफ फॉलोइंग रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन जो है जारी किया जाता है, यानी कि कौन सी चीज निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ऑक्सीजन, ऊर्जा या प्रकाश। आंसर देंगे कमेंट करेंगे C6H12O6, आंसर कमेंट करेंगे प्रकाश संश्लेषण के टाइम में जो है ग्रुप आंसर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन जतिन जी बी आ रहा है, बहुत अच्छे अमित जी, बहुत अच्छे। एनीवन हु नोस दिस क्वेश्चन, ओके, हु नोस दिस आंसर, आंसर कमेंट करें, वीडियो शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा, उससे पहले आपको वीडियो शेयर कर देनी है, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। ऑप्शन आ रहा है शुभम, ओके शुभम, ओके आपका आंसर आ रहा है टू, वेरी गुड। अजय ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी आ रहा है, जतिन जी ऑप्शन कर रहे हैं बी, बिल्कुल आएगा ऑक्सीजन इज करेक्ट आंसर, क्या आएगा ऑक्सीजन इज करेक्ट आंसर। ओके, तो भैया ऑक्सीजन निकालती है, अगर आपको बताऊं तो साइनो बैक्टीरिया है जो पृथ्वी पे पहली बार आया, साइनो बैक्टीरिया। ओके, उसने क्या किया पृथ्वी पर, ओके राम जी बिल्कुल, जय राम जी की, जय कृष्णा। ओके, प्रदीप जी बिल्कुल, चलिए। ओके, तो भैया क्या हुआ, साइनो बैक्टीरिया ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करी। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी में मौजूद था और जल मौजूद था, तो उसने क्या किया, उसने ग्लूकोज बनाया C6H12O6, तो उसने अपने लिए ग्लूकोज तो बना लिया, लेकिन O2 जो है वो उसने जो है उसको जो है मुक्त छोड़ दी। ओके, ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन वन नहीं आएगा, ऑप्शन टू इज करेक्ट आंसर चार्ल्स। ओके, यहाँ पर ये इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं, ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया, O2 लिया यानी कार्बन डाइऑक्साइड ली, और उसने जल का यूज किया। ओके, उसने अपने लिए ग्लूकोज बनाया, देन उसने क्या किया अपने लिए उसने ह्यूमंस के लिए सब बहुत अच्छी चीज करी, कि उसने जो पेड़ पौधों के लिए और जो आपके जीवधारी हैं उनके लिए क्या किया कि उनके लिए O2 जो है मुक्त छोड़ दी, यानी कि स्वतंत्र छोड़ दी। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा जो O2 जो आएगा वो करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके लिए, कमेंट करेंगे। ओके, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया, ओके, द ऑप्टिकल फाइबर वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर। ओके, आंसर कमेंट करें प्रदीप जी, चलिए वेरी गुड इवनिंग। ओके, अमित जी आंसर कमेंट करें, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सुबह सुबह 8 बजे आपके लिए जियोग्राफी की क्लास आती है, उसको अटेंड नहीं करते हैं, बहुत कम स्टूडेंट कर रहे हैं भाई, तो कर लीजिएगा उसे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। चलिए, ओके, ऑप्शन थर्ड, ओके, एनी वन को आंसर कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलिए प्रदीप जी आंसर कमेंट करें, चार्ल्स, अमित यहां पर आंसर करें, शुभम जी आप आंसर आ गया बिल्कुल, चलिए आंसर कमेंट करेंगे। ओके, ऑप्शन थ्री मैं समझ रहा हूँ आपका, लेकिन क्या होगा, तो आंसर आएगा ऑप्शन वन आएगा 1956, क्या हुआ, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया गया 1956 में, तो यहाँ पर आंसर आएगा 1956 में। तो देखिए किसने किया, सिंह कम ओके कपानी ने किया, किसने किया, सिंह कपानी ने किया, यूके की भौतिकी विज्ञान थे यानी फिजिक्स के जो है साइंटिस्ट थे, ओके फिजिसिस्ट थे या कहें साइंटिस्ट थे ये, ओके इन्होंने फाइबर ऑप्टिकल की जो है इनका इन्वेंशन किया 1956 में, क्या नाम है, सिंह कपानी। ओके, चलिए इंडियन नहीं है, याद रखिए यूके के जो है, ओके यहाँ पे यूके के जो है भौतिक विज्ञानी कहे। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर बिल्कुल, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा आपके लिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। इंडिया में टोटल जो हमारी यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं वो 38 हैं, कितनी है 38 हैं, उसमें से देखिए 7 जो है मिश्रित। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन आ रहा वन, वेरी गुड। एनी वन को आंसर कमेंट करेगा, थोड़ा एग्जैक्ट क्वेश्चन कमेंट करिए क्या होगा।
हमें जो ऑप्शन सी कर रहे हैं अगले क्वेश्चन का, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर दिए पिछले क्वेश्चन का था वो, ओके 1956, बिल्कुल प्रदीप जी, अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, उसका आंसर दिया अजय जी ऑप्शन डी कर रहे हैं, सुजुम ऑप्शन वन, और अजय फिर से डी ऑप्शन कर रहे हैं, तो क्या आने वाला ऑप्शन आएगा, डी इज करेक्ट आंसर, फ्रांस पेरिस इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर, अजय जी वेरी गुड, यहाँ पर होगा फ्रांस पेरिस इज करेक्ट आंसर, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रांस पेरिस इज करेक्ट आंसर, ओके। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, सुनिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे, इतने में करा रहा हूँ अभी, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और इंपॉर्टेंट होंगे, एक बार से ज्यादा बार आए हुए हैं, लेकिन लिखा नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आए हुए हैं क्वेश्चन, ये आपने पढ़े जरूर हैं, याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, यानी कि बताना आपको इनमें से कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का सबसे अच्छा स्रोत है या सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा और प्रोटीन का और वसा का, इन तीनों का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, कौन कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का, वेरी गुड अमित जी, ऑप्शन आ गया आपका, फली बोल रहे हैं, बीन, ओके बीन्स बोल रहे हैं, लेकिन बीन्स होगा या नहीं होगा वो हम बताएंगे आपको, क्यों नहीं होगा बीन वो भी बताऊंगा, चना क्यों नहीं होगा, मूंगफली क्यों नहीं होगा, ओके ओके शिवांगी भार्गव जी ऑप्शन बी, भार्गव जी ऑप्शन बी बोल रहे हैं, वेरी गुड, एनी वन को आंसर कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का तो आएगा राइस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन होगा राइस यानी चावल होगा, कि अगर चावल आएगा तो क्योंकि चना नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा चावल भी जो राइस होते हैं उसमें 90% कार्बोहाइड्रेट 1% प्रोटीन और यहाँ पर 2% प्रतिशत के साथ में बचा होती है, इसलिए एक पोषक तत्व है, कैसा एक रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्या है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ ओके मॉरिटियस, ओके यानी कि मॉरिशियस, मॉरिशियस की राजधानी क्या है, अमित जी बिल्कुल, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मॉरिशियस, यानी कि मॉरिशियस की राजधानी कहां पर है, कमेंट करेंगे, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं तो आंसर दीजिए, वीडियो शेयर करिएगा, आगे फॉरवर्ड करिए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चलिए आंसर देंगे, कमेंट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन वन आएगा, पोर्ट लुइस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सुभार्गव जी और यहाँ पर अजय जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पोर्ट लुइस इज करेक्ट आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग है, ओके मस्तिष्क का भाग है, विच ऑफ आर फॉलोइंग इज आर इज और आर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, आंसर कमेंट करेंगे, ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट है इसमें से, ओके कमेंट करेंगे, सेरेब्रम, ओके सेरेनियम या हाइपो थैलेमस या ऑल ऑफ एबव, कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ओके ऑप्शन है ना डी, वेरी गुड, एनीवन ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल, ओके कमेंट करिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया आपसे, तो ऑप्शन आएगा फोर इज करेक्ट आंसर, ओके ऑप्शन फोर होगा नॉट वन, ओके बस इसमें देखिए, ओके प्रोमेस्टिक पाया सर्वे, ओके सेरेब्रम पाया जाता है, कपाल भी पाया जाता है, ओके हाइपोथैलेमस भी पाया जाता है, ये ऑप्शन आएगा फोर इज करेक्ट आंसर, क्या आएगा फोर इज करेक्ट आंसर, ओके। टमाटो कंटेंस, तो आपको बताना है टमाटो में कौन सा एसिड होता है, ओके टमाटो टमाटर में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है, आंसर कमेंट करना, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर कमेंट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए आंसर देंगे, अच्छा क्वेश्चन है आंसर दीजिएगा, ओके चलिए कमेंट करेंगे आंसर देंगे, ओके एसिटिक एसिड जो होता है वो किस में पाया जाता है, ओके चलिए आंसर देंगे, ऑक्सीलेट्स कहाँ पर, बस सेट्रिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है, कमेंट करते जाएंगे आंसर दे, ऑप्शन आ रहा है सी, वेरी गुड ऑप्शन आ रहा है सी, तो यहाँ पर आएगा सी ऑक्सीलिक एसिड, ओके बिल्कुल सी ऑप्शन आएगा, अजय जी बिल्कुल सही है, भार्गव जी ऑक्सीलिक एसिड बिल्कुल सही है, क्या है टमाटो में क्या पाया था, ऑक्सीलिक एसिड इज करेक्ट आंसर, नॉट फोर अमित जी, ऑप्शन आएगा थर्ड इज करेक्ट आंसर, 12 का, ओके 14 नंबर क्वेश्चन है भैया, 12 का, ओके आपने 12 बोला कोई बात नहीं अमित जी, सुनिए मेरी बात अमित जी, एक बार वीडियो को जो है क्या कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, ओके देन आप जो है लाइव हो जाओगे, क्योंकि आप एक क्वेश्चन पीछे चल रहे हो, ठीक है, ओके ओके आपको बताना लेसन, ओके के विधायी शक्तियाँ किसमें नहीं होती, दीपू जी गुड इवनिंग, चलिए आंसर कमेंट करेंगे, लेजिस्लेटिव पावर आर वेस्टेड इन, ओके वेस्टेड इन द, कमेंट करेंगे राष्ट्रपति किस पास होती हैं, संसद के पास होती हैं, ओके प्रधानमंत्री या न्यायपालिका के पास होती, दीपू जी ऑप्शन वन आ गया, वेरी गुड, एनी वन हु नोज दिस क्वेश्चन, ओके हु नोज दिस आंसर, कमेंट करेंगे, बिल्कुल सी ऑप्शन, ऑप्शन सी, ओके ऑप्शन सी नहीं आ रहा, सॉरी डी आ रहा है, ऑप्शन ए भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर रहेगा ये राष्ट्रपति के पास होती है, तो लेजिस्लेटिव जो पावर होती है भैया वो राष्ट्रपति के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है, किसके पास, प्रेसिडेंट के पास होती हैं, तो क्वेश्चन कई सारे आपसे पूछे गए सीएचएसएल में प्रेसिडेंट से रिलेटेड, ओके आपसे प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, बहुत सारे संविधान से क्वेश्चन रिलेटेड पूछे गए थे, तो भैया एक काम करिए, मैंने आपको पीडीएफ डाली हुई है टेलीग्राम पर, ठीक है, संविधान से रिलेटेड जो है पीडीएफ डाली हुई है, अमेंडमेंट और
कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मैं एक आध बार जो आपको रिवाइज करा दूंगा, 150-200 क्वेश्चन रहेंगे। ओके 150 क्वेश्चन कर लिए ना तो आपको कहीं से भी जो है वो जो है कहीं से भी जी आपको रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है, एग्जामिनर, क्योंकि वो क्वेश्चन बनाई इस प्रकार से। ओके अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंड लॉक्ड स्टेट डज नॉट हैव इंटरनेशनल बाउंड्रीज, मतलब कहने का मतलब ये कितने बंदरगाह विहीन राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, हमारी जो कोस्ट लाइन है, हमारे यहाँ पर जो भारत है उसकी, उस पर जो है ऐसे 20 राज्य हैं यहाँ पर जो है क्या है कोस्ट, यहाँ पर जो है कोस्ट लाइन है। ओके और कोस्ट लाइनों पे अगर बात करें तो ये कोस्ट लाइन समुद्र की लाइन है। अगर हम बात करें भैया ऐसे जो यहाँ पर 9 राज्य हैं, क्या 9, कैसे 9 राज्य, जिन पर बंदरगाह हैं, जिन पर जो है ओके जिसमें बोट है यानी कि बंदरगाह है। ओके और ऐसे 5 राज्य हैं जिन पर ना तो बंदरगाह है ना ही वो इंटरनेशनल बॉर्डर से लगती हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 5 इज करेक्ट आंसर, नॉट 3rd, नॉट 2, यहाँ पर आएगा 5। 5 ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे राज्य हैं, स्टेट हैं जिन पर ना तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सीमा है और ना ही उन पर जो है बंदरगाह है। ओके तो यहाँ पर क्लियर है, देखिए 5 राज्य कौन कौन से हैं, इनके पास ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर है ना ही कोस्ट लाइन। पहला आएगा झारखंड, फिर आएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओके फिर तेलंगाना, ओके उसके बाद आएगा झारखंड। ओके और ये वाला राज्य आप देख सकते हैं पूरा राज्य जो है गुजरात से लेकर यहाँ पर महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र से कर्नाटक आएगा, कर्नाटक से ये केरला आएगा, तमिलनाडु आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, ओके उड़ीसा आएगा, ये वेस्ट यहाँ पर वेस्ट बंगाल आएगा। ओके ये सारे के सारे कैसे हैं, इनके पास जो है कोस्ट लाइन है प्लस इनके पास क्या चीज़ है, इनके पास जो है आप बंदरगाह भी है। ओके और इंटरनेशनल बॉर्डर से कई बार जो है उड़ीसा, देखिए यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल लगी रहा है, ओके और यहाँ पर ये इंटरनेशनल बॉर्डर से लगी रही है, ये गुजरात लगी रहा है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीन पर ये आपके आएगा, ये रखेंगे। ओके ये मध्य प्रदेश और देखिए कौन कौन से नहीं लगते, तो ये मैंने बता ही दिया भैया। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य या कौन से राज्य या यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों की आबादी न्यूनतम है। ओके ओके हाँ सॉरी बिहार भी होगा, ओके सॉरी बिहार, ओके यहाँ पर बिहार, ओके बिल्कुल यहाँ पर सुनिए मेरी बात, अजय जी आपने बोला बिहार, ओके तो बिहार क्यों नहीं होगा, बिहार क्यों नहीं होगा, मैं मैप में बता देता हूँ, बिहार इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ है, नेपाल से लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा नेपाल से लगा हुआ है और बांग्लादेश से लगा। हमारा क्वेश्चन था कि ना तो वो उसके पास कोस्ट लाइन हो ना ही वो इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ हो, है ना। ऐसे तो हिमाचल प्रदेश भी है, जम्मू कश्मीर भी है, उत्तराखंड भी है, राजस्थान भी है, ओके ठीक है, तीस सारे देश में से तो अरुणाचल प्रदेश भी हो गया, असम भी हो गया, मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, है ना, ऐसे तो बहुत सारे प्रदेश हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ना तो इनके पास कोस्ट लाइन हो ना ही आपके पास इंटरनेशनल बॉर्डर हो। ओके अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपको बताना है, आंसर देना है, कौन भारत में कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की आबादी सबसे कम है, न्यूनतम है, लीस्ट है, तो आंसर कमेंट करेंगे, दिल्ली रहेगा या सिक्किम रहेगा, दमन और दीव रहेगा या लक्षद्वीप रहेगा। ओके आंसर कमेंट करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दमन दीव और दादर नगर हवेली जो है वो एक ही हो गए हैं। ध्यान रखिए आर्टिकल नंबर 370 के हटने के बाद जो है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर अलग अलग जो है यूटी हो गए हैं, तो वो 7 से 9 हो गए थे, लेकिन अब 9 से फिर 8 हो गए क्योंकि दमन दीव और दादर नगर हवेली दोनों एक कर दिए गए हैं, ठीक है, कितने यूटी होंगे, 8 यूटी होंगे। ओके अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा लक्षद्वीप, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, न्यूनतम जो आबादी होगी इनके उनके पास क्या होगी, लक्षद्वीप आएगा। ओके अगला क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, सीएचएसएल में भी एग्जाम में आए थे, आपको पूछा गया था, मुझे याद नहीं है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा गया था, तो आंसर कमेंट करें इसको आंसर क्या रहेगा। ओके चलिए दोस्तों आंसर कमेंट करें क्या होने वाला इस क्वेश्चन का उत्तर। ओके और 6 बजे वाली वीडियो, सही 6 बजे वाली वीडियो नहीं, आपका जो 8 बजे 8 AM पर वीडियो आती है उसको प्लीज़ इसको देखिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगी ओके एग्जाम के लिए। ओके यहाँ पर ऑप्शन डी कर रहे हैं, चार्ल्स जी ऑप्शन 2 कर रहे हैं, अजय जी वेरी गुड, भार्गव जी आंसर कमेंट करें, तो आंसर आएगा ऑप्शन आएगा 4 इज करेक्ट आंसर, संपत्ति का अधिकार यानी कि ओके राइट टू प्रॉपर्टी, आपके पास प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये कानूनी ओके कानूनी अधिकार आता है, ठीक है, आपका जो कानून का अधिकार आता है ना, जो धाराएं लगती है उसमें जो आ जाता है, लेकिन ये एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स में से हटा दिया गया है। ऑप्शन आएगा 4 डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके अगला क्वेश्चन है, द आइसलैंड ऑफ श्रीलंका के फॉर्म नोन एज, यानी कि श्रीलंका द्वीप जिससे पहले क्या नाम से जानते थे, आपको बताना है। देखिए एक चीज़ है इंपॉर्टेंट, देखिए क्या है, भारत इंडिया हमारा इंडिया है और इंडिया के नीचे जो है इस प्रकार थोड़े थोड़े छोटे से जो है एक पाल का स्ट्रेन है, क्या है पाल का स्ट्रेन है, ओके क्या है पाक बोलते हैं इसको, पाक ओके
पाक बोलते हैं, पाकिस्तानी यहाँ पर को श्रीलंका, ओके यहाँ पर ये श्रीलंका है, ये राम सेतु बांध, आप राम सेतु भी बोल सकते हो, कोई राम सेतु है। तो एक्चुअल में क्या है कि पाक है, कि एग्जाम में आया था, कहाँ पर आया था, सीएचएसएल में आया था, ठीक है, कहाँ पर था, सीएचएसएल में, किसके बीच में है, श्रीलंका और भारत के बीच में, ओके एग्जाम में आया हुआ था। ओके तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन थर्ड आ रहा, ऑप्शन सी आ रहा है, ओके तो आएगा सिलोन इज करेक्ट आंसर, क्या बोलते थे, सिलोन बोलते थे। अगला उसके बारे में देखिए, ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, क्या है, ग्रीनलैंड की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, ग्रीनलैंड है, ओके वो निया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ा बड़ा जो है द्वीप है, और एशिया में सबसे बड़ा द्वीप, अगर बात करें जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, वोर्निया है, कहाँ पर है, एशिया में है, और ये तीसरा, अगर दुनिया का बात करें तो ये तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और एशिया का पहला है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। ओके अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, और पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम यूज़ कर लीजिएगा, ओके बाकी पीडीएफ मिल जाए, एक दो दिन से थोड़ी सी पीडीएफ नहीं मिल पा रही है, कोई दिक्कत नहीं, आगे मिल जाएंगे। ओके अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किस में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव लाया गया था, तो वो आंसर कमेंट करेंगे। ओके आपको ये भी पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो एक स्पेशली मैं आपके लिए वीडियो कराऊंगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर, ओके तो उसको भी याद रखिएगा, आंसर कमेंट करना, वीडियो शेयर करना, आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है, आगे फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए। चलिए आंसर क्या रहेगा इसका, आंसर दी, चलिए आंसर क्या होने वाला है, ओके तो आंसर आएगा ऑप्शन आएगा थर्ड इज करेक्ट आंसर, कराची अधिवेशन 1931, क्या आएगा, कराची अधिवेशन 1931, ओके 1927 में जो है हमारी जो है, ओके बिल्कुल ओके, चलिए कोई बात नहीं, चलिए मैं आगे डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन हमारा है वहां पर, ठीक है ओके, इसलिए मैं नहीं बता रहा। ओके अगला क्वेश्चन, 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है, ओके 20 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज आ डे, कमेंट करेंगे कि भैया जो 20 अगस्त है वो किस रूप में मनाया जाता है, ये आंसर कौन करेगा। ओके चलिए अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर है तो आंसर देंगे, कमेंट करेंगे आप लोगों को, ओके कमेंट करना, आंसर देना, चलिए ओके वीडियो शेयर कर दीजिएगा, काफी कम स्टूडेंट है भाई, ओके स्ट्रेंथ काफी कम होती आ रही, क्या बात है भैया आजकल, ओके ओके गोलमेज, वेरी गुड, एनीवन, गोलमेज सम्मेलन 1927, ओके चलिए बिल्कुल आया अभी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर इसका आंसर देंगे, तो आंसर आएगा 20, ओके 20 नंबर का क्वेश्चन है इसका, आएगा आंसर सद्भावना दिवस, क्या बनाएंगे, सद्भावना दिवस जो होगा वो बनाएंगे, ओके क्या बनाएंगे, सद्भावना दिवस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 29 का, ओके 29 भैया 29, ओके दिसंबर को जो है हम क्या करते हैं, 29 वाला क्वेश्चन है हमें जी, 20 नंबर का क्वेश्चन है, ओके चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा, ओके चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहते हैं, ओके हु इज फादर ऑफ मेडिसिन, तो भैया मैंने एक दिन आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराए थे, यो मेडिसिन है जो हमारा जीव विज्ञान, उससे कई सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने, कम से कम 40-45 क्वेश्चन कराए थे, तो उनमें यही क्वेश्चन कराए थे कि कौन फादर है, कौन इसका, कौन के आगे, सारे करवाए थे, तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो कमेंट करेंगे। चलिए ओके ऑप्शन थर्ड आ गया, वेरी गुड, एनी वन इस क्वेश्चन का आंसर, अमित जी वेरी गुड, भार्गव जी आंसर कमेंट करें क्या होगा, ओके अजय जी आंसर आ रहा है, वेरी गुड, एनी वन कौन आंसर कमेंट करेगा सबसे पहले, तो आंसर आएगा यहाँ पर फोर ऑप्शन आएगा, ऑप्शन वन हिपोक्रेट्स, क्या आएगा, हिपोक्रेट्स इस करेक्ट आंसर, ऑप्शन वन, अजय जी बिल्कुल सही है, भार्गव जी बिल्कुल सही, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे सिंपल सिंपल सा, इस क्वेश्चन का 90% स्टूडेंट गलत का आंसर कमेंट कर देते हैं, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और ये एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, क्यों पूछते हैं, इसका कारण है, क्वेश्चन है हमारे पास टाटा मूल, ओके मूलभूत अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, वेयर इज द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है, ओके तो आंसर कमेंट करिए, ऑप्शन आ रहा है ये, वेरी गुड, एनी वन को आंसर कमेंट करेगा इसका, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलत भी करेंगे, ओके चार्ल्स ऑप्शन थर्ड कर रहे हैं, भार्गव जी ऑप्शन करिए, आंसर दीजिए कमेंट करिए क्या होगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, इसका आंसर देंगे कमेंट करेंगे क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, आगे फॉरवर्ड कर दिए, शेयर कर दिए, अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, ओके तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा भैया, ऑप्शन आएगा तीसरा, ओके तो यहाँ पर गलती यहीं पर यही होती है, गलती क्या होती है, हम टाटा नगर लगा देते हैं जो कि गलत आता है, तो देखिए टाटा का जो अनुसंधान है इंस्टीट्यूट ऑफ ओके फंडामेंटल रिसर्च है वो है मुंबई में, ना कि दिल्ली में, ना ही आपका टाटा नगर में, तो भैया ऑप्शन आएगा मुंबई, ये गलती होती है बहुत सारे लोगों से, मुझे पता था ये गलती बहुत सारे लोगों से होती है, ये होती भी है, ओके इसे याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द वायन ट्री, यानी कि बरगद का वैज्ञानिक नेम क्या होता है, आंसर कमेंट करेंगे, एनी वन कौन आंसर कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का, कमेंट करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर है इसका आंसर देंगे, मैंने थोड़ा जूम कर दिया है आपको क्लियर दिख रहा होगा, आंसर कमेंट करें, बरगद का वैज्ञानिक नेम क्या है,
चलिए कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्क्रीन पर सारे सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो आंसर दीजिए। कोई बात नहीं, आंसर नहीं आ रहा, ऑप्शन है का वन, फिकस वेगन लेसिस। फिकस वेगन लेसिस इसका आंसर आता, ऑप्शन वन आएगा, नॉट चार्ल्स, ऑप्शन वन इज करेक्ट आंसर। तो यहां पर आएगा वन। अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज। हमने बताया था आपको सेल्स की स्टडी को आप क्या कहते हो, यानी कि आपके जो कोशिकाएं हैं उनके अध्ययन को आप क्या कहोगे, तो आंसर कमेंट करेंगे। बिल्कुल अजय जी, ऑप्शन बनता पिछले क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे क्या रहेगा। सुबह सुबह 8 बजे वाली वीडियो भी देखिए, अभी अगर नहीं देखा है तो फास्ट फॉरवर्ड करते हुए वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझाया हुआ है। बाकी बहुत सारी वीडियोस जो है आने वाली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ज्योग्राफी अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जिसमें अगर ज्योग्राफी में 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो वो भी हो जाएंगे। साइटोलॉजी आ रहा है, वेरी गुड। एनी वन को आंसर, ऑप्शन सी आ रहा है। भार्गव जी ऑप्शन सी बोल रहे हैं, बिल्कुल साइटोलॉजी से कहेंगे, क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ सेल बोलेंगे, साइटोलॉजी, सेल से सी, सी से साइटोलॉजी, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, हम कीचड़ युक्त सड़क, सड़क पर फिसल जाते हैं, ऐसा क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में, लेकिन एक्चुअल में क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि पहली चीज आपको ये ध्यान होता है कि देख कीचड़ होती है, कीचड़ में क्या है कि आप लोग सोचते हैं फ्रैक्शन बढ़ रहा है, लेकिन आप फ्रैक्शन कम हो जाता है, क्योंकि क्या होता है जब उसमें फ्रैक्शन कम होगा, कीचड़ में अगर फ्रैक्शन कम हो जाएगा तो हम क्या होंगे, सिर्फ फिसल जाएंगे। क्या होगा, फ्रैक्शन कम हो जाएगा। तो फ्रैक्शन की बात आ रही है भाई हमारे पास। टू सरफेस में जो टू सरफेस, एक वन सरफेस एंड टू सरफेस जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी, तो जब फ्रैक्शन होगा तभी स्लाइड कर पाएंगी। ऑप्शन आएगा बी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और लैक ऑफ फ्रैक्शन यानी घर्षण के, घर्षण की कमी कारण जो होता है वो हम यहाँ पर मडी रोड पर फिसल जाते हैं। अगर हम बात करें बर्फ पर भी चलना हमें मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन जो होता है कम होता है, कांच पर भी आप नहीं चल पाओगे इतनी ईजिली। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, थोड़ा सा मैं इसे जूम करूंगा। टर्म ऑफ इनॉक्स, इनॉक्सिस, इनॉक्सिस जो है हमें क्या कहते हैं, बिशुभ जो है शब्द क्यों, आप क्या अर्थ है बिशुभ से, क्या कमेंट करेंगे, बिशुभ का अर्थ क्या होता है, आंसर दीजिए कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों आंसर देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए। कमेंट करेंगे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर है तो उत्तर दीजिए कमेंट करेंगे, ठीक है, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर है तो आंसर दीजिएगा। तो आंसर आएगा, ऑप्शन आएगा बी इज करेक्ट आंसर। जब दिन और रात जो है समान अवधि के होते हैं तो इसे हम विषुव दिन कहते हैं, विषुव या इनोक्स डे कहते हैं। इनोक्स डे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कहते हैं इनोक्स डे कहते हैं। ध्रुवों पर आपको बताना है, ध्रुवों पर 6 महीने जो है रात रहती है, 6 महीने दिन रहता है। कहाँ पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, ठीक है, क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 6 महीने दिन 6 महीने रात रहते हैं, और आपका कर्क रेखा और मकर रेखा पर सीधी रेखा पड़ती है, इसलिए वहां पर गर्मी भी ज्यादा होती है, आपके भूमध्य रेखा पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मैं थोड़ा थोड़ा बताते जाता हूँ आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो वीडियो है उसे याद रखिएगा, 6 बजे आती है, 8 बजे आती है ज्योग्राफी के, उसे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द अकबर टॉम्स वॉज बिल्ड बाय, मतलब कि अकबर का मकबरा जो है किसके द्वारा बनवाया गया, कमेंट करेंगे आंसर देंगे। अकबर का मकबरा किस व्यक्ति के द्वारा बनवाया गया, अकबर आएगा, जहांगीर आएगा, जुदाबाई आएगा या बैरम खान आएगा, आंसर कमेंट करेंगे। वीडियो शेयर करिए, आगे फॉरवर्ड करिएगा क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आए हुए हैं, तो कमेंट करिए, टफ क्वेश्चन नहीं है आज। कार्तिक जी ऑप्शन बी, वेरी गुड। जितने पुराने स्टूडेंट उनके पता, उनको पता है कि हमारे यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड आप करके बढ़ाता हूँ, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मैं इजी क्वेश्चन भी है और टफ क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, जहांगीर, बिल्कुल सही है, क्या आएगा, करेक्ट आएगा जहांगीर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ठंडा होने का मौसम है, ठंडा मौसम आने वाला आप लोगों को पता है, विच गैस डज द कोकोला बॉटल कंटेन। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आया है, जो पिछले एग्जाम होते थे अगर हम बात करें 2012 2013 या 14 की बात करें, तब ये क्वेश्चन बहुत फेमस था और ये कई बार आया है। इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया था, और अब इस क्वेश्चन को मे बी अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर करोगे, क्योंकि कई कई स्टूडेंट ने इसको पढ़ा नहीं होगा, पुराना हो गया, ओल्ड क्वेश्चन हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि ओल्ड हो गया, पढ़ना जरूरी है। आंसर कमेंट करें, ऑप्शन आ रहा है सी, वेरी गुड। एनी वन हु नोज दिस आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आ रहा है, बहुत अच्छे, CO2 आ रहा है, बहुत अच्छे, तो क्या आएगा आंसर, आएगा CO2 इज करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन आएगा सी, कार्तिक जी, अजय और यहाँ पर अंकित, बिल्कुल करेक्ट है, अजय जी, अजय शर्मा, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ठोस से सीधे वाष्प में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इज द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ
सॉलिड डायरेक्टली इन वेपर, यानी कि अगर आप किसी चीज को ठोस, जो ठोस है उस चीज को अगर आप गर्म करते हो तो वह तरल नहीं होती है, तरल नहीं होती है, वो सीधा सबलिम सीधा जो है वाष्प बन जाती है। तो आंसर कमेंट करेंगे प्रोसेस कौन सी होती है। ऑप्शन सबलिमिनेशन, बहुत अच्छे ऑप्शन, बी आ रहा है, चार्ल्स यहाँ पर आएगा, सबलिमिनेशन इज करेक्ट आंसर। ओके क्या आएगा, सबलिमिनेशन इज करेक्ट आंसर। ओके सबलिमिनेशन आएगा, ऑप्शन बी आएगा, बहुत अच्छे। कौन मुझे एग्जाम्पल बताएगा, ऐसा मेटल कौन बताएगा जो सबलिमिनेशन से गुजरता है। आंसर कमेंट करेंगे, ऐसा तत्व बताना है जो सबलिमिनेशन से गुजरता है, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। और प्लीज जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं सोच समझ के ही क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। ओके तो आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। ओके कॉपर, बिल्कुल NaCl, बिल्कुल सही NaCl है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बिल्कुल भार्गव जी, बिल्कुल अंकित जी, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपको बताना है शनि ग्रह जो है वो कैसा है। ओके प्लेटो की तुलना में ठंडा होता है, ओके वरुण की तुलना में जो है ठंडा होता है, वरुण से अधिक ठंडा अधिक गर्म है, या बृहस्पति की तुलना में गर्म है। बिल्कुल कार्तिक जी बहुत बढ़िया, कपूर जो होता है बिल्कुल सही है, कॉपर, ओके कपूर, हाँ बिल्कुल आप कपूर बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, कपूर, कपूर जो होता है बिल्कुल। ओके चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपको आंसर देना है, कमेंट करना है। ओके सोडियम जी बिल्कुल सही है, सोडियम बाइक्लोराइट, ओके बिल्कुल सही। ओके चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, वरुण से अधिक गर्म होता है। जो शनि ग्रह है वो क्या है, वरुण से कैसा है, गर्म है, ऑप्शन आएगा सी इज करेक्ट आंसर। ओके चलिए, ओके द अपर लेयर ऑफ अर्थ। ओके देखिए ध्यान रखिएगा, अगर हम जियोग्राफी पढ़ेंगे एसएससी रेलवे और बैंक के लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे तो मात्र हमें तीन लेयर पढ़नी है। ओके क्रस्ट पढ़नी है, मेंटल पढ़नी है, और इनर कोर पढ़नी है, ठीक है याद रखिएगा। वैसे होती सात आठ लेयर हैं, अभी साइंटिस्ट ने बहुत सारी लेयर इन्वेंट कर दी हैं, लेकिन सॉरी आपको मेन तीन ही पढ़नी है, ठीक है। तो आंसर कमेंट करना है, पृथ्वी की जो हमारी ऊपरी परत है उसमें क्या क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, आंसर कमेंट करें, उससे किस चीज का कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन होता है, तो उसका भी आंसर कमेंट करेंगे। मेटल कौन कौन से पाए जाते हैं उसमें। ओके सियाल बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का, सियाल करेक्ट है, लेकिन मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसमें क्या क्या पाया जाएगा, उसमें निकल होगा क्या। ओके इसमें निकल होता है या नहीं होता है, कोई बताएगा मुझे। ओके आंसर आएगा, ऑप्शन आएगा ए इज करेक्ट आंसर, सियाल कहेंगे उसे, क्या बोलेंगे, सियाल कहेंगे। ओके बिल्कुल करेक्ट आंसर है सियाल, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ओके बंबू इज क्लासिफाइड, बिल्कुल ओके बिल्कुल भार्गव जी बिल्कुल। ओके अब बताइए मुझे सियाल यानी कि आपका जो ऊपर वाली परत है उसमें क्या क्या होता है, नेफ नहीं होगा, सियाल होगा। ओके अमित जी ऑप्शन वन आ रहा है, ओके अगला क्वेश्चन है उसका वन करा, बिल्कुल सही है, लेकिन अगला क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिएगा और मुझे बताइए कि आपका जो ऊपर वाली भूपर पट्टी है, क्या कहते हैं, भूपर पट्टी बोलते हैं, सियाल बोलते हैं, उसमें क्या क्या होता है। ओके ग्रास आंसर कमेंट कर रहे हैं आप, बिल्कुल चलिए। ओके जतिन जी ऑप्शन वन कर रहे हैं, ओके झाड़ी हो सकता है बिल्कुल, ओके लेकिन हम आंसर बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है, खेत पतवार तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन आ रहा है बी यहाँ पर, चार्ल्स का भी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आएगा घास, ग्रास बोलेंगे इसको हम जो क्लासिफाइड करते हैं, घास के अंदर रखते हैं, कौन सा वर्गीकरण में रखते हैं, इसे रखते हैं हम घास के अंदर। ओके सिल्क एवं एल्यूमिनियम, बहुत अच्छे, सिल्क एवं एल्यूमिनियम इज करेक्ट आंसर। ओके निकल होगा, ओके चलिए निकल होगा लेकिन बहुत कम मात्रा में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके निकल होगा लेकिन निकल बहुत ही कम मात्रा में है, नीचे की साइड मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा, घास आंसर है। TMB ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है अगर बात करें ओल्ड है, ओके लेकिन फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो मवेशियों के यहाँ पर बीमारी होती है, CHS ने पूछा गया था, इस प्रकार के मवेशियों के यहाँ पर जो बीमारियां हैं वो कौन सी हैं, कौन सी बीमारी है, तो इस प्रकार डीप क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, तो ये भी एक थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, आंसर बताइए TMB किससे रिलेटेड है, ये एक बीमारी है आपको बतानी है, वायरस से आ रहा है, एलगी से आ रहा है, बहुत अच्छे जतिन जी का आंसर आया, बहुत अच्छे सिल्क, होके सिल्क का होगा, वेरी गुड यहाँ पर बिल्कुल शिवांगी बिल्कुल अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहे हैं, वेरी गुड ओके वायरस बोल रहे हैं आप लोग बिल्कुल, एनी वन अंकित जी आपने भी वायरस बोला है, ओके चार्ल्स ऑप्शन बोला है ए, ओके सी बोला है, लेकिन आएगा वायरस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन वन आएगा, बहुत अच्छे ऑप्शन वन सभी के सही है, चार्ल्स ऑप्शन आएगा, वन इज करेक्ट आंसर। ओके अगला क्वेश्चन, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज, न्यूटन का पहला नियम
फर्स्ट लॉ जो है उसे हम क्या और कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आपको कमेंट करना है ओके, और वीडियो शेयर कर दीजिएगा भाई ओके। काफी कम स्टूडेंट है और काफी कम स्टूडेंट ओके, यहाँ पर जितने स्टूडेंट देख रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है कि सभी लोग आंसर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स और वीडियो शेयर करिए, अच्छा लगेगा और भी स्टूडेंट आएंगे। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑप्शन वन इज करेक्ट आंसर, लॉ ऑफ मूवमेंट ओके, लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ एनर्जी ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन वन इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन वन रहेगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जड़त्व का नियम या कहें लॉ ऑफ इनर्शिया कहेंगे, बिल्कुल सही है ओके ओके। अगला क्वेश्चन है आरआरबी भोपाल में आया, 2008 में आया, पुराना क्वेश्चन है ये, मत सोचेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है ओके। मुख्यमंत्री सबसे लंबे समय तक कार्यालय में बने रहे ओके, यानी कि इन्होंने सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक लॉन्ग पीरियड तक काम करा, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए ओके नमस्ते, बिल्कुल ओके बिल्कुल गुड इवनिंग, यहाँ पर सोनू सिंह जी गुड इवनिंग। हमारी जो वीडियो है क्लासेस है, थोड़ा सा हम टाइमिंग चेंज कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में क्या इरेगुलर हो रहे हैं ओके, जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस उनके वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है ओके। और तो आपको जो नए क्वेश्चन भी थोड़े कम मिल पा रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, सुबह 8 बजे की एक क्लास आ रही है आप लोगों के लिए जो जियोग्राफी की है। एक्चुअल में देखिए बता दूं आपको, जो ज्योग्राफी की क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आपके लिए काफ़ी नंबर दिलवाएगी ओके। तो यहाँ पर आंसर आएगा बी ऑप्शन आएगा, ज्योति ओके, ज्योति वशु इज करेक्ट आंसर ओके, बिल्कुल अंकित जी, अजितिन और यहाँ पर भार्गव जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत के ग्रेड ओके ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता, किस नाम से कहते हैं ओके, किस किस को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए सीमांत ओके सीमांत गांधी के ऊपर से एग्जाम आया था ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान के ऊपर जो है एग्जाम की जो है क्वेश्चन पूछा गया ठीक है। आपसे जो है भारत रत्न प्राप्त जो है किस किस व्यक्ति ने करा जो भारत के नहीं थे ओके। तो बहन जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है वो एग्जाम मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से कराए हुए हैं। तो दादा भाई नौरोजी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन आएगा बी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, नॉट सी जतिन जी, बिल्कुल भार्गव जी ऑप्शन आएगा बिल ओके, ऑप्शन ए आएगा। सचिन गहलोत जी बिल्कुल गहलोत साहब जी हाँ का स्वागत है। चलिए ओके चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे ओके, मानव अधिकार दिवस जो होता है के जो है किसके किस दिन मनाया जाता है, किस रूप में मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, क्वेश्चन ये है। तो आंसर कमेंट करेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एक डे आपसे पूछा जाता है, तो आंसर कमेंट करेंगे ओके, बिल्कुल आंसर दीजिएगा कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का ओके। देखिए एक क्वेश्चन भी आया था आपको, आई थिंक जो है सुशासन दिवस पूछा था, यानी कि गुड गवर्नेंस डे पूछा था, आपको बताना है गुड गवर्नेंस डे जो होता है वो किस दिन मनाया जाता है और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है ओके। मैं ये बताता हूँ बर्थ ऑफ प्लेस बताता हूँ उन व्यक्ति का, बर्थ ऑफ प्लेस था ग्वालियर मध्य प्रदेश ओके, बिल्कुल ऑप्शन आ रहा है ओके, ऑप्शन आ रहा है 10 10 आ रहा है यहाँ पर आएगा, 10 दिसंबर इज करेक्ट आंसर ओके, 25 जनवरी ओके ओके, सुशासन दिवस ओके। एनीवन कोई बताएगा मुझे सुशासन दिवस की गुड गवर्नेंस डे जो है किस व्यक्ति के जन्मदिन पर यानी वर्ल्ड डे पर मनाया जाता है। अम्बेडकर नहीं आएगा भैया, यहाँ पर गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, हम क्यों मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर ओके, यहाँ पर 25 जनवरी आप कर रहे हैं, थोड़ा सा रिमेंबर करिए अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी। चतुर्भुज जो सड़क योजना सुनी होगी आपने, जो पूरे जो है भारत में जो है योजनाएं चलाई गई उनके द्वारा ठीक है, और अटल द्वार जो है अटल द्वार योजना या अटल जो है योजना चलाई गई है, जो कि कौन सा हाईवे है जो कि आपका आगरा और ग्वालियर वाला जो हाईवे है वो उनके नाम पर है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा, शून्य आवर की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ जीरो आवर। आंसर कमेंट करेंगे आप सब लोग, बताएंगे इस क्वेश्चन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। चलिए दोस्तों आंसर देंगे, कमेंट करेंगे क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए ओके और मध्य प्रदेश में जो है देखिए, हाँ ग्वालियर के कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट बिल्कुल के 30 मिनट हो सकता है या 1 घंटा भी हो सकता है या 2 घंटा भी हो सकते हैं, कमेंट करेंगे भार्गव जी बहुत अभी है ओके। चार्ल्स ऑप्शन वन किया है आपने, हो सकता है मिली आपका आंसर इस बार सही हो, तो ये बिल्कुल सही है, चार्ल्स का ऑप्शन वहाँ पर वन ऑप्शन सही रहा, थैंक यू चार्ल्स जी ओके। काफ़ी देर बाद आपने जो आंसर कमेंट सही करा, बहुत अच्छा लगा भार्गव, बिल्कुल सही है बिल्कुल, यहाँ पर अमित जी बिल्कुल सही है ओके। चलिए बिल्कुल ऑप्शन वन आएगा इस करेक्ट आंसर ओके। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन जो है सक्षम है। देखिए ये बहुत ही जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, हु कम ओके, आपको बताना राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। देखिए इसको क्या होता है, इसको एक्चुअल में पास करवाना पड़ता है ठीक है, इसको जो है पास करवाना पड़ता है, इस पर जो है साइन होते हैं लोगों के, तब ये राज्यसभा भंग होती है, नहीं तो ये भंग होने का कोई उसका वो नहीं है। तो कमेंट करेंगे क्या होगा, कोई नहीं वाला ऑप्शन आएगा या संसद के ओके, ये ऑप्शन सी आएगा, सभापति आएंगे ओके,
बिल्कुल ऑप्शन गहलोत जी ने बोल दिया सभापति, बिल्कुल गहलोत जी आपको बिल्कुल पता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर कमेंट करें क्या होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन आ रहा है ए वर्षा जी, ऑप्शन डी आ रहा है, तो ऑप्शन डी आएगा। ओके तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा, लेकिन इसको देखिए एक्चुअल में क्या होता है जतिन जी, एक्चुअल में राज्यसभा को भंग नहीं किया था, लेकिन फिर भी इसको भंग करने के लिए, ओके राज्यसभा को भंग नहीं किया लेकिन कम भंग करने के लिए इसको पास कराना होता है कि भाई ये भंग करी जाएगी, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब तक वो पास होती है वो भंग नहीं हो पाती है ना, कोई कोई चीज़ पास कर रहे हैं वो चल रही है तो भंग नहीं हो पाएगी, पहली बात उसको कंप्लीट करेंगे। ओके इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि ये भंग होगी। ओके तो ऑप्शन आएगा डी इज करेक्ट आंसर। ओके चलिए इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है थोड़ा टेढ़े बात करें तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत टेढ़े तरीके से बताया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, हु इज इंडियन इंडियाज सेकेंड मिस वर्ल्ड। ओके फर्स्ट बताइएगा सेकेंड बताइएगा, फिर आंसर कमेंट करेंगे भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड कौन सी है, कमेंट करेंगे सभी लोग आंसर बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आंसर कमेंट करेंगे, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, कमेंट करिए। ओके नन ऑफ दीज बिल्कुल। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है राज्यसभा, ओके ऑप्शन जतिन जी आपने आंसर कर दिया, वर्षा जी वेरी गुड, जतिन सचिन जी आंसर कमेंट करें क्या होगा, गहलोत जी भार्गव जी आंसर नहीं आ रहा क्या बात है। ओके फर्स्ट राइट फादिया, ओके फर्स्ट रीता है, ओके ओके फादी के फारिया वेरी गुड, सेकंड कौन है मुनासी छिल्लर, ओके सेकंड आ रहा है मुनासी छिल्लर, ऑप्शन बी बोल रहे हैं, ऐश्वर्या राय बोल रहे हैं बी, एनीवन कोई आंसर कमेंट करेगा तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी इज द करेक्ट आंसर, ऐश्वर्या राय दूसरी रहेंगी और रीता फादिया जो रहेंगी वो रहेंगी फर्स्ट, रीता फादिया रहेंगी फर्स्ट, थैंक यू भार्गव जी। ओके यहाँ पर रहेगा ऐश्वर्या राय रहेंगी सेकंड, ओके बिल्कुल आंसर रहेगा हमारा बी, लेकिन मैंने फर्स्ट पूछा जो रहेंगे रीता फादिया इज करेक्ट आंसर। ओके बिल्कुल ऑप्शन ऐश्वर्या राय ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके लिए रहेगा, आपके लिए क्वेश्चन देखिए नंबर है आपके लिए, वेयर वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म, ये थोड़ा सा जो है डीप क्वेश्चन है 2006। ओके थैंक यू, ओके सोनू जी अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आंसर देंगे, तो देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगेगा लेकिन फ्रेंड्स फिर भी आंसर देना है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। पहली अखिल भारतीय किसान सभा कहाँ पर आयोजित ओके बनाई गई, देखिए याद रखिएगा CHSL ने, ध्यान रखिएगा एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, CHSL ने क्वेश्चन हमसे करंट अफेयर से जरूर पूछे, करंट अफेयर से पूछे जरूर थे, लेकिन फ्रेंड्स बहुत कभी तो बहुत डीप पूछ लिया उसने क्वेश्चन, कभी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये ध्यान रखिएगा 2019 का पूरा करंट अफेयर पढ़ना ही है आपको, किसी भी स्थिति में 2019 का करंट अफेयर पढ़कर रखना है, 2020 का भी पढ़ना है, लेकिन ओके लेकिन आपका नोटिफिकेशन अगर जो आज जिस दिन से नोटिफिकेशन आया उस दिन का तो पढ़ना ही पढ़ना है, उस टाइम से 6 महीने का पिछला या 6 महीने का आगे का पढ़ना है, ठीक है यानी 12 महीने हो गए। ओके यहाँ पर आएगा लखनऊ इस करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन में कलकत्ता नहीं रहेगा लखनऊ रहेगा। ओके ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वॉज, ओके आपको बताना है तराइन की द्वितीय लड़ाई जो है यानी कि द्वितीय युद्ध जो है वो कब लड़ा गया, आंसर कमेंट करेंगे तराइन का बैटल जो है वो सेकेंड बैटल जो है वो कब लड़ा गया, इसका आंसर कौन बताएगा सबसे पहले। ओके 92 बोल रहे हैं वेरी गुड, ओके नवाबों का शहर वेरी गुड बहुत अच्छे 1992 वेरी गुड, एनीवन को आंसर कमेंट करेगा भाई इस क्वेश्चन का कहने वाला है। ओके ऑप्शन आ रहा फर्स्ट का, ओके फर्स्ट 1991 में, ओके सेकंड 1992 वेरी गुड, तो यहाँ पर आएगा 1992 में दूसरा लड़ा गया था फर्स्ट 1991 में, ओके बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1992 बिल्कुल। ओके 1992 में नहीं आएगा मित जी, 1992 तो बहुत बहुत आगे होगा, 1191 जो है फर्स्ट हुआ 1192 सेकेंड हुआ, तो एक्चुअल में क्या है देखिए आप जो जब टाइपिंग में एरर हुआ मुझे पता है वो टाइपिंग एरर है लेकिन फिर भी आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोगों के लिए, ओके ओके 1687 में प्रथम नगर निगम किस स्थान पर स्थापित किया गया, ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है लेकिन इतना मत सोचिएगा, कमेंट करने का आंसर कमेंट करिए थोड़ा सा कोशिश करिएगा। द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वॉज सेट अप इन 1687 विच प्लेस, ओके इन विच प्लेस, आंसर कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला। ओके मद्रास आ रहा है सर, आप ज्योग्राफी की क्लास लेते हैं सिलेबस पूरा कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे भाई सोनू जी, कराएंगे क्यों नहीं कराएंगे सिलेबस पूरा भाई, उसी लिए तो करा रहे हैं वो ज्योग्राफी, क्यों नहीं कराएंगे ज्योग्राफी। अगर देखिए मेरा एम ये है कि आप जो है देखिए मैं UPPSC का आपसे नहीं बोलूँगा, UPPSC के लिए आपको अगर करना है ओके UPPSC का करना है, MPPSC का मैं बोल सकता हूँ लेकिन UPPSC के लिए थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ता है, ठीक है आप MPPSC का कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, उसमें मैं सारी डिटेल आपको बताऊँगा, ठीक है बाकी आप जो है रेलवे SSC का कंप्लीट हो ही जाएगा। ओके तापिन, ओके वेरी गुड, ऑप्शन मद्रास भी आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन आएगा थर्ड इज करेक्ट आंसर, तो भैया क्या आएगा मद्रास आएगा बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल वर्षा जी और यहाँ पर जतिन जी बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं आपके लिए स्लाइड चेंज करूंगा,
और क्वेश्चन करने हैं या नहीं करने मुझे बता दीजिए, यस और नो करके बता दीजिएगा। और भी क्वेश्चन है हमारे पास, तो उन क्वेश्चन को करने हैं तो मुझे यस कर दीजिए, ओके। बाकी मैं इस क्वेश्चन को जरूर कराऊंगा, ठीक है, ओके। तो आप इन ओके चलिए ओके, अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन निम्नलिखित में से कौन जो है अंतरिक्ष ग्रह से सबसे बड़ा है, ओके। कौन सा अंतरिक्ष ग्रह सबसे बड़ा है, आंसर देंगे कमेंट करेंगे, ओके बिल्कुल ओके। इस क्वेश्चन के बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड लगाने वाला हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ओके। आगे वाले क्वेश्चन ईजी है, ओके, तो ईजी क्वेश्चन नहीं करना हमें, ओके। ध्यान रखिएगा वही क्वेश्चन करने जो ऐसे या तो एग्जाम में आए या फिर आपको सीखने के लिए मिले, ओके। प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो, है ना, प्रैक्टिस कर ही रहे हो ना। तो आंसर आएगा यहाँ पर, ऑप्शन आएगा टू इज करेक्ट आंसर, यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन रहेगा टू इज करेक्ट आंसर, ओके ओके। मार्स नहीं रहेगा भैया, अर्थ रहेगा, ओके। तो चंद्रमा देखिए, बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर मंगल आएगा, ठीक है, ओके। चलिए ओके, चलिए मैं एक 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 मिनट के लिए आपकी वीडियो पुश कर रहा हूँ, तो आप बनी रहिएगा मेरे साथ में, वीडियो के बाद में ओके, वीडियो पुश जब ओके ओपन होगी तो आपके लिए नई स्लाइड मिलेगी, ओके। चलिए ओके, बहुत बढ़िया, चलिए सभी लोग लगभग आ गए हैं स्टूडेंट, चलिए ओके। क्वेश्चन है दीव, ओके, एक्चुअल में क्या है, ये दीव है, ओके, दीप नहीं है, दीव है, तो दीव है वो कहाँ पर है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा, ओके सॉरी सॉरी फ्रेंड, आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे आंसर क्या आने वाला है। चलिए दोस्तों आंसर बताइए क्या है, कहाँ पर है, कक्ष की ओके कच्छ की खाड़ी में है, खंबाज खाड़ी में है, मन्नार खाड़ी में है, या बंगाली खाड़ी में, आंसर कमेंट करेंगे। अंजलि जी बिल्कुल ऑप्शन आ गया, ओके आंसर कमेंट करेंगे क्या होगा, ओके ओके बिल्कुल गुड इवनिंग। चलिए आंसर आएगा ये खंबात की खाड़ी पड़ेगा, कहाँ पर पड़ेगा, खंबात की खाड़ी पड़ेगा, ऑप्शन आएगा भैया, ऑप्शन आएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा, ओके सॉरी बिल्कुल बी ऑप्शन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आंसर देंगे कमेंट करेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ओके ओके चलिए बिल्कुल बिल्कुल चलिए रामेश्वरम होगा, ओके बफर हो गई थी, कोई बात नहीं, बफर हो गई थी इसलिए आंसर नहीं आए थे, कोई बात नहीं है, ओके आपको सुनाई दे रहा है, आवाज वगैरह आ रही है ना, ओके ऑडियो वीडियो आ रही है ना, आ रही है मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के लिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है बता दीजिए मुझे, ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। थार मरुस्थल कहाँ है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ओके भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और बात करें सारा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ऑप्शन आ रहा, ओके कोई बात नहीं, नेट स्लो नहीं हो गया सोनू जी, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मे भी हो सकता है पिछले, ओके ओके चलिए आंसर कमेंट करने क्या रहेगा, इसका आंसर आएगा राजस्थान में, कहां पर है, राजस्थान में इसका कुछ भाग है, कुछ भाग सिंध में है, पाकिस्तान के सिंध में भी कुछ भाग है, ओके कहाँ पर, राजस्थान और सिंध भाग आएगा, ओके सिंध भी आ गया, अगर आप सिंध ऑप्शन आ जाए तो सिंध भी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ओके दक्षिण गंगोत्री क्या है, दक्षिण गंगोत्री किसे कहा जाता है, ओके आंसर कमेंट करेंगे, दक्षिण गंगोत्री जो है वो क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी होती है, आंसर कमेंट करेंगे, गोदावरी आएगी क्या, ओके दक्षिण भारत की गंगोत्री किसे कहते हैं, गोदावरी को कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे वेरी वेरी ओके। देखिए दक्षिण गंगोत्री क्या है, एक्चुअल में आपसे पूछा है, लेकिन दक्षिण भारत की जो है गंगा गंगोत्री या गंगा नदी किसे कहा जाते हैं, वो गंगोत्री कहते हैं, ओके आपको ओके ऑप्शन वन आ रहा है, ओके प्रायद्वीपीय की नदी, ओके ओके बिल्कुल एनी वन को आंसर कमेंट कर, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ओके इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है, इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, दक्षिण की गंगा जो किसे कहते हैं, गोदावरी कहते हैं, तो ये गोदावरी वाला क्वेश्चन नहीं है भाई, ओके तो ये क्वेश्चन कौन सा है, ओके दक्षिण भारत की गंगा, ओके सॉरी भैया दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी कहते हैं, कावेरी कहाँ से आ गई भाई कार्तिक जी। अगला क्वेश्चन इसका आएगा, अंटार्कटिक में एक स्थान है, अंटार्कटिक में एक स्थान है, अंटार्कटिक कहाँ पर है, अंटार्कटिक जो है आपका साउथ पोल में है, अंटार्कटिक कहाँ पर, एक साउथ पोल में है, और साउथ पोल के हिस्से में भारत का एक अनुसंधान वैज्ञानिक केंद्र है, ध्यान रखिएगा वैज्ञानिक केंद्र है, जो कि जो रिसर्च करने के लिए बनाया गया, इसका नाम है दक्षिण के गंगोत्री नाम रखा गया अंटार्कटिक के, अंटार्कटिक कितने अक्ष पर है, 66.5 साउथ पोल पर है, 66.5 साउथ पोल पर है, ओके चलेंगे। अगला क्वेश्चन सी नहीं होगा भैया, सी नहीं होगा, ओके उत्तरी ध्रुव में स्थित है, ओके वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं है, ओके उत्तरी ध्रुव तो नहीं होगा, नहीं मैंने बोला आपका दक्षिणी ध्रुव बोला, ओके उत्तरी ध्रुव जो होगा आर्कटिक होगा, आर्कटिक में नहीं जाना भैया, हमें अंटार्कटिक में जाना है, ओके चले
अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से भी जाना जाता है? एनी वन व्हाइट वाटर जो है वो किसे कहते हैं? ओके कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल सही है। दक्षिण गंगोत्री, ओके दक्षिण गंगोत्री भैया गंगा नहीं है, गंगा के। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। चलिए कोई कागत नहीं, कार्तिक जी आपको सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जिस भी स्टूडेंट को भूगोल में थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़े कॉन्सेप्ट रहेंगे, थोड़ी सी चीज़ याद भी करनी पड़ेंगी, थोड़ा समझना भी पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन जिस प्रकार से फॉर्म्ड किए जाते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पकड़ लीजिए, अगर आपके 100 क्वेश्चन का एग्जाम है तो 3 क्वेश्चन कन्फर्म है। ओके तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डी, वेरी गुड। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन आएगा सियाचिन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन आएगा करेक्ट आंसर। ओके चलिए अगे बरसाई, चलिए अगला क्वेश्चन हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा? आंसर बात, अगला क्वेश्चन है आपका हैदराबाद किसका जुड़वा नगर है? ओके आपको बताना है क्लोन के, क्या क्लोन वाला अगर है, 4 ही स्टूडेंट रह गए हैं, कोई बात नहीं है, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा। ओके अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर हैदराबाद का जुड़वा नगर क्या है? ओके आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं मैं, अगर आपको लाइव क्लास मिल जाए, किस चीज़ की, 6 PM पर मिल जाए, ज्योग्राफी की यहीं पर लाइव क्लास मिल जाए, 6 PM पर, 6 PM तो नहीं, 7 PM या 7 PM की या 8 PM पे मिल जाए, कितने बजे, 8 PM पे मिल जाए, तो 8 PM पे कितने स्टूडेंट आ पाएंगे? कम से कम 10 स्टूडेंट अगर आते हैं जो लाइव क्लास में आते हैं तो मैं बिल्कुल कराऊंगा उसको 8 PM पर। ओके क्योंकि सुबह सुबह 8 बजे प्रीमियर में मुझे डालनी पड़ती है, पहले रिकॉर्ड करेंगे उसको डालेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है डेटा खा जाता है। ओके मतलब कहने का मतलब वो एक्सपोर्ट वगैरह करनी पड़ती है उसको, फिर मतलब जो है स्टोरेज भी बढ़ जाती है, तो ये डायरेक्ट अगर मैं लाइव करूंगा तो फायदा रहेगा कि आप लोगों का भी फायदा, डायरेक्ट आप देख पाएंगे। ओके तो सिकंदराबाद इस करेक्ट आंसर रहेगा। ओके जुड़वा नगर कहेंगे सिकंदराबाद, ऑप्शन आएगा बी। कोची का जुड़वा नगर क्या है? कोची का जुड़वा नगर क्या है, आंसर दीजिएगा, कोची का जुड़वा नगर कौन सा है? कमेंट करेंगे दोस्तों, आंसर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ओके मेरा माइक यहाँ पर आ गया। ओके 6 PM पर, ओके प्लीज 7 PM, ओके अन अकेडमी पर लाइव। ओके अन अकेडमी पर अभी आज, आज तो आप लाइव नहीं गए हो आज तो, ओके कोई बात नहीं है, चलिए 6 PM पर ठीक रहेगा। ओके 6 PM पर, ओके अरे भाई भार्गव जी एक्चुअल में क्या है, छोटे बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है, छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े बच्चे भी आते हैं पढ़ने, सब प्रकार के बच्चे आते हैं, तो उनको उनसे फ्री होने के बाद मैं 7 बजे फ्री हो पा रहा हूँ आजकल, ठीक है, कोई बात नहीं है, फ्री मैं टाइम निकालूंगा। ठीक है ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, क्या आएगा, एर्नाकुलम इस करेक्ट आंसर, ऑप्शन आएगा 1 इस करेक्ट आंसर। ओके अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा, जम्मू एंड कश्मीर राज्य का वह हिस्सा है जिस पर चीन का अधिकार है उसे हम क्या कहते हैं? जम्मू एंड कश्मीर का एक राज्य है, ओके मतलब सभी को पता राज्य है, लेकिन उसका एक हिस्सा है जो कि चीन के पास है या चीन का अधिकार वहाँ पर है, उस पर आधिपत्य उसने कर लिया है, लेकिन आपको ये बताना है कि बस उसका नाम बताना है, कमेंट करेंगे आंसर देंगे, कमेंट करेंगे क्या रहेगा ना बोलो। ओके चलिए आंसर देंगे भार्गव जी, बहुत अच्छे आंसर कमेंट करें आप लोगों के लिए, चलिए आंसर दीजिए। ओके कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों आंसर दीजिए। ओके अक्साई चीन चाइन, ओके चाइना आ रहा, ऑप्शन डी आ रहा, ऑप्शन डी आ रहा। ओके ओके इसलिए सुनिए मेरी बात, अब एग्जाम में क्वेश्चन आया था डोकलाम जो विवाद है वो किन किन के बीच में हुआ था, डोकलाम विवाद है ओके वो किस, ओके गिलगित, ओके गिलगित जो होगा वो, गिलगित नहीं आएगा भैया, गिलगित नहीं आएगा, गिलगित जो है पाकिस्तान हो गया, हम पाकिस्तान में क्यों जाएंगे हम? ओके तो आंसर आएगा अक्साई चाइन, ओके अक्साई चीन आएगा। ओके अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा, भारत का एकमात्र शीतमस्थल क्या है? ये बहुत ही फेमस, बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है। ओके ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आंसर आने चाहिए, बिल्कुल वर्षा जी आप लोग सभी का आंसर आना चाहिए, अंकित जी आंसर कमेंट करेंगे, भारत का एकमात्र शीतमस्थल क्या है? एकमात्र है ओके और यहाँ पर आपने एक 3 इडियट नाम की जो है देखी होगी, 3 इडियट देखी होगी, देखी होगी ना 3 इडियट, तो 3 इडियट में जो लास्ट वाला, बिल्कुल लास्ट वाला जो क्लाइमेक्स बताया जाता है वो यहीं पर शूट हुआ है, कहाँ पर शूट हुआ है, यहीं पर शूट हुआ है। ओके ऑप्शन आ रहा ए, तो ये करेक्ट है लद्दाख में, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आएगा लद्दाख, ए इज करेक्ट आंसर। ओके बिल्कुल चलिए अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है, आंसर देंगे कमेंट करना है, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है, कमेंट करेंगे आप लोग, आंसर बताएंगे क्या आएगा, कमेंट करें। चलिए चलिए भारत का क्षेत्रफल कितना है, ओके एरिया कितना है, कौन कमेंट कर रहा है? वेरी वेरी इजी, इससे इजी क्वेश्चन नहीं है, ओके इससे इजी क्वेश्चन नहीं है भाई, आंसर कमेंट करें क्या रहेगा। ओके 32,87,000, ओके 87 है, 87,263 सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, वर्ग किलोमीटर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सी इज करेक्ट आंसर। ओके क्या रहेगा, सी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके चलिए
अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे क्या कहा जाता है। देखिए मैंने ये आपको बताया भी था, भारतीय उपमहाद्वीप भारत की जो स्थिति है, भारत की अवस्थिति यानी लोकेशन है, वो उत्तरी गोलार्ध में है। ओके, उत्तरी गोलार्ध के बाद में कहाँ पर है आपका, एशिया में। एशिया में कहाँ पर, दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया में कहाँ पर है, दक्षिण एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में। और इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में पांच जो है देश आते हैं, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, ओके, और यहाँ पर म्यांमार और आपका श्रीलंका। ओके, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, गोंडवाना लैंड, बिल्कुल एनी वन को आंसर कमेंट करेगा, इसका आंसर है ऑप्शन गोंडवाना लैंड, इस करेक्ट है। ओके, तो भैया गोंडवाना लैंड इस करेक्ट आंसर, जो भूभाग है वो मूलतः किसका है, भूभाग है गोंडवाना लैंड का। ओके, तो एशिया को हम क्या बोलते हैं, आपको बताना है एशिया को हम क्या कह सकते हैं। क्या एशिया को हम जम्बू द्वीप बोलते हैं, अगर वेदों के हिसाब से चलें तो एशिया को आप बोल भी सकते हो जम्बू द्वीप बोल सकते हो। एशिया पूरा होता है जम्बू द्वीप, और आर्यभट्ट और भारतवर्ष होता है वो वेदों के अनुसार कहा जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न जो है, निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय जो है राज्य कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है यानी कि ऊपर की ओर स्थित। ओके सॉरी, ऊपर नहीं, ऊपर तो हाँ ऊपर की ओर, बिल्कुल बिल्कुल, आपका जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा है, नेपाल वाला हिस्सा है, जो आपका बिहार के ऊपर हो गया, तो आंसर कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का, ऊपर की ओर स्थित है। देखिए क्वेश्चन आया था नहीं आया था मुझे बता दीजिए, क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कर्क रेखा से, CHSL ने पूछा गया था, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए कर्क रेखा से अगर आप लगाएं जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर आए, तो पहला आएगा आपका क्या, गुजरात आएगा, फिर क्या है गुजरात से फिर आएगा आपका यहाँ पर, ओके, फिर गुजरात से आपके राजस्थान आएगा, फिर MP आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर ओके MP के बाद छत्तीसगढ़ के बाद आपका जो है झारखंड आएगा, झारखंड के बाद क्या आएगा भैया कौन बताएगा मुझे, झारखंड के बाद आपका जो है वेस्ट बंगाल आएगा। ओके, वेस्ट बंगाल के बाद आपका क्या आएगा, वेस्ट बंगाल में त्रिपुरा आएगा। ओके, फिर क्या आएगा, मिजोरम आएगा। ओके, तो आठ राज्य होते हैं और मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं, कितने, मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं, तो कौन बताएगा मुझे 14 जिलों के नाम, पता है किसी को। ओके, मणिपुर इस करेक्ट आंसर। ओके, क्या आएगा, मणिपुर जो होगा उसके उत्तर में रहेगा, मिजोरम नीचे रहेगा, झारखंड तो उसी लाइन पर आता है, त्रिपुरा भी उसी लाइन पर आता है, तो उत्तर में क्या रहेगा, मिजोरम रहेगा। ओके, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन आएगा ए इज करेक्ट आंसर। ओके, झारखंड नहीं रहेगा भैया, झारखंड तो उत्तर में क्यों आएगा, झारखंड तो इसी बिल्कुल सीधी लाइन में ना उसी पर है ना, बिल्कुल जस्ट उसी पर है। ओके, मैं मैप अभी जो है आपको बता नहीं पाऊंगा, मैप मेरे पास है नहीं है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है, यानी कि लोकेटेड है। ओके, आपको ये बताना है कौन सा नगर या कौन सी सिटी कर्क रेखा से निकटतम दूरी यानी नियरेस्ट जो लोकेशन पर अवस्थित है, तो आंसर कमेंट करेंगे गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है। ओके, अगरतला किसकी राजधानी है, ओके, कौन बताएगा अगरतला किसकी राजधानी है, कौन बताएगा अगरतला किसकी राजधानी है, एनीवन हु नोज दिस आंसर, अगरतला जो किसकी राजधानी है। ये दो राजधानी लिखी है, एक मैंने बता दी है गुजरात की राजधानी है, ऊपर आपको बतानी है कि ये किसकी राजधानी है। ओके, मणिपुर रहेगा, मिजोरम रहेगा, मेघालय रहेगा, किसकी राजधानी भैया बताइए जल्दी से, आंसर कमेंट करेंगे। ओके, वीडियो शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है, आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। पता नहीं है, जबलपुर और उज्जैन तो किसी की राजधानी नहीं है, एक्चुअल में जबलपुर और उज्जैन में बहुत फेमस सिटीज हैं MP की। ओके, ऑप्शन मिजोरम, वेरी गुड। ओके, त्रिपुरा की नहीं है भैया, त्रिपुरा की नहीं है। ओके, चलिए शिवांगी जी कोई बात नहीं, त्रिपुरा नहीं, मिजोरम आएगा। ओके, चलिए वेरी गुड। ओके, चलिए कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पर क्या आएगा भैया, ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अगरतला, क्या रहेगा, अगरतला इस करेक्ट आंसर। ओके, अगरतला रहेगा। ओके, चलिए बिल्कुल त्रिपुरा। ओके, यहाँ पर अगरतला रहेगा, चलिए क्या बात रहेगा भाई, क्या रहेगा, ये रहेगा अगरतला। ओके, ऑप्शन आएगा अगरतला। ओके, अगला क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन करिए और आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा जो है यानी कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। आपको ओके, तीन ऑप्शन दिए हैं, सॉरी चार ऑप्शन दिए हैं, चार में तीन जो है ओके ओके कैपिटल पूछा था, चलिए कोई बात नहीं, कैपिटल पूछा था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं भार्गव जी, कोई कंफ्यूज मत होइए, कभी कभी क्या कंफ्यूजन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी एक गलत है बाकी तीनों सही है, तो आंसर कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला आप लोगों के लिए, आंसर दीजिए, चलिए कमेंट करेंगे, ऑप्शन आ रहा है। ओके, चलिए ओके अंकित जी अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आंसर दीजिए, कमेंट करिए। ओके, अरे भाई आंसर तो दीजिए इस क्वेश्चन का,
कोई बात नहीं, इसका आंसर जो आएगा वो गलत है। ओके, भारत का क्षेत्रफल 48% पर मैदान नहीं है। सुनिए, भारत का 48% पर मैदान है, 43% पर मैदान है। याद रखिए, मैंने कई बार पढ़ाया आप लोगों के लिए कि भैया भारत के 43% पर मात्र जो है भूभाग है, जिस पर आप और हम रह रहे हैं। तो 43% पर भूभाग ऐसा है जिस पर आप और हम रह रहे हैं, तो यहां पर आएगा 48% गलत है, बाकी सारे सही हैं। ओके चलिए, ओके अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन रॉन्ग है या गलत है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर कमेंट करिए। बिल्कुल सोनू जी, बिल्कुल भार्गव जी, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आप लोगों के लिए। देखिए, मैं क्लासेस जो है कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भैया थोड़ा स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ाइए, क्योंकि देखिए अगर इतने स्टूडेंट रहेंगे तो इससे ज़्यादा तो भाई हमारी क्लास में आते हैं भाई। ओके, इसमें तो हम जो ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ जाते हैं आपके, आपसे मतलब आपसे 4 गुना स्टूडेंट आ जाते हैं, 4 से 5 गुना। ओके, तो आंसर कमेंट करें क्या रहेगा। ओके, मतलब अभी लॉकडाउन की स्थिति में 5 गुना स्टूडेंट आ जाते हैं अभी हमारे यहाँ पर, ठीक है, एक स्ट्रेंथ में 5 गुना आ जाते हैं। आंसर कमेंट करें क्या रहेगा। ओके, कमेंट करिए भाई क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर आएगा, ऑप्शन आएगा यहाँ पर कौन सा गलत है। इस मैदान की मिट्टी होती है जलोढ़ नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल आप उत्तर मैदान, उत्तरी मैदान की जो मिट्टी जो है जलोढ़ नहीं होती है। ओके सॉरी चन ओके जो मिट्टी जो है चरनोजम प्रकार की नहीं होती, बाकी ऑप्शन वन। ओके यहाँ पर, ओके यह कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी गलत है। ओके, ऑप्शन आएगा सी जो रहेगा वो रॉन्ग रहेगा, क्या रहेगा, सी रॉन्ग रहेगा, बाकी उत्तर का मैदान के सारे ऑप्शन कैसे हैं सही है। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन थोड़े से जो है टफ क्वेश्चन होंगे, थोड़े से क्वेश्चन जो है आपको ऐसा लगेगा कभी कभी के रिलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए सुनिए मेरी बात, जब तक आपने जो है इतना प्रैक्टिस नहीं किया कि आप थोड़े टफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। सरल क्वेश्चन के लिए आप हर जगह से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको बुक ले सकते हो, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए बुक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एग्जाम में थोड़ा सा और अच्छे से क्वेश्चन जो है कर पाओगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यानी 3 गलत है हमारे पास, एक सही होगा, आंसर देना है, कमेंट करना है। उपरोक्त सही हो सकते हैं क्या, देखिए ऐसा भी हो सकता है, ऑप्शन डी दिया है वो उपरोक्त सही भी हो सकते हैं। ओके, ऑप्शन डी भी है। ओके, यह विषुवत रेखा के उत्तर में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि विषुवत रेखा के, भूमध्य रेखा के कहां पर, उत्तर में है। हमारा गोलार्ध क्या आता है, हम उत्तरी गोलार्ध में हमारी लोकेशन है, तो अब याद रख लीजिए हमारी लोकेशन क्या, उत्तरी गोलार्ध में विषुवत के ऊपर है, ठीक है, उत्तर में। ओके, यह जो है 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तर से अक्षांश के बीच में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही बोल रहा है भाई ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थर्ड भी आंसर हमें सही बोल रहा है, ए भी, बी भी और सी भी, तो आंसर क्या आने वाला है हमारा, आएगा उपरोक्त सभी सही है, करेक्ट है। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से जो है सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है, बाउंड्री से लगा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, काफी कम स्टूडेंट रह गए हैं, आंसर दीजिए कमेंट करिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। ओके ओके, हमारी 1 घंटे से ऊपर क्लास हो गई। ऑप्शन है यूपी, यूपी बहुत अच्छे ऑप्शन आएगा, यूपी इज करेक्ट आंसर, क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश इज करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है चलिए। और ये इस ओके ये वाला लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए। और आप लोगों से मेरी कि भैया 8 बजे क्लास आती है उसको अटेंड करिए, जियोग्राफी की क्लास है उसको अटेंड करिए, उसमें जो मैं करा रहा हूँ उसको बस आप ध्यान से देखते रहिएगा, बाद में पहले देखिए उस वीडियो को, उसके बाद में आप उसको लिखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं पता, सॉरी। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें, त्रिपुरा 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 त्रिपुरा, बिल्कुल सही है, त्रिपुरा इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आपसे ये आपसे मैं कह रहा हूँ बार बार कि भैया जियोग्राफी की वीडियो इसलिए लीजिए, क्योंकि मैं देखिए अगर आपने यहाँ पर अगर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ नहीं होगी ज़्यादा, स्टूडेंट नहीं देखेगा तो मतलब नहीं निकलेगा उस चीज़ का, ठीक है। ओके, वो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, ऐसा है कि वो अगर मैं लाइव कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या अगर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर वो नेटवर्क सही आते, मैंने एक बार ट्राई किया था कि नेटवर्क अच्छे आ जाए, लेकिन जियो जियो फाइबर डाल दी गई हमारी जो है सिटी में, डाल दी जियो फाइबर डली है, लेकिन वो चालू नहीं हुई, जैसे ही चालू हो जाएगी तो वो सारी क्लासेस वो होंगी जो ऑनबोर्ड वाली भी हो जाएंगी वो लाइव हो जाएंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए, बेस्ट ऑफ लक।